हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट लर्निंग चैनल। तो जैसा कि आपने देखा है कि आपकी जो नीट की डेट है वो तो कंफर्म हो ही गई थी, लेकिन आपका जो नीट का फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है और आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि आपको जो फिल करना है फॉर्म को, तो उसको कैसे फिल करना है। उसमें कुछ कोड वाइज दिख रहा है, तो उसको कोड को किस तरीके से, आपका कोड कौन सा होगा उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कोड फर्स्ट की, कि वो कौन से लोग हैं कि जो कोड फर्स्ट फिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं या फिर दे चुके होंगे, आई डोंट नो। तो जो 12th का एग्जाम है, अगर आप दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, तो फिर उसमें जो ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो बोर्ड एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो वो कौन सा फॉर्म, वो कौन सा कोड फिल करेंगे, तो कोड फर्स्ट को फिल करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर उनका जो फॉर्म का वर्क है वो आगे जाएगा, लेकिन अगर वो आप बोर्ड के एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोड टू की, उस वो कौन से लोग हैं जो कोड टू को फिल कर सकते हैं। तो जो भी जो 12th का एग्जाम पास आउट है वो लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और जो जो लोग 12th को मतलब प्राइवेट कॉलेज से भर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एग्जाम का जो फॉर्म है उसको फिल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कोड थ्री की, कि वो कौन से लोग हैं जो कोड थ्री को फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम को दे चुके हैं या फिर देते हैं, जैसे कि कर्नाटका हो गया और जम्मू एंड कश्मीर का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो ऐसे जो एग्जाम होते हैं स्टार्टिंग वाले जिससे हमें एडमिशन मिलता है, ये एग्जाम जो अगर जो देते हैं उन्हें क्या फिल करना है, कोड थ्री को फिल करना है। ठीक है, कौन से लोग, जो प्री यूनिवर्सिटी मतलब कि जैसे बीएससी के लिए स्टार्टिंग का जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है या फिर तो एडमिशन फॉर्म जो होता है उसको फिल करते हैं जिससे उनका एडमिशन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉलेज में जो एडमिशन होता है उनको उनको कौन सा फिल करना है, तो कोड थ्री को फिल करना है। ठीक है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले एग्जामिनेशन जो होता है। ठीक है, ओके। कोड फोर की बात कर लेते हैं, तो जो मेडिकल के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि जो प्री मेडिकल एग्जामिनेशन दे चुके हैं, जैसे कि BAMS BHMS का फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि BA जब उनका नीट में मतलब एडमिशन नहीं हो पाया नीट में, तो क्या होता है फिर वो लोग BAMS BHMS कर लेते हैं। ठीक है, उनमें एडमिशन ले लेते हैं, तो ऐसे लोग भी उसके साथ साथ नीट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो वो लोग कौन, वो लोग कोड फोर को फिल करेंगे। ओके, कोड फाइव की बात कर लेते हैं, जो BSc कर रहे हैं, BSc के अपीयर मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, तो उनको अगर मतलब वो अगर नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें क्या फिल करना है, उन्हें कोड फाइव फिल करना है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कोड सिक्स की, तो BSc जिनका कंप्लीट हो चुका है, मतलब BSc पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या है फिल करना है, उन्हें कोड सिक्स का फॉर्म, उन्हें कोड सिक्स फिल करना है। ठीक है, ओके, अपने फॉर्म में, ओके। और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी, कि जैसे कि आपने हमने बताया कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोड थ्री फिल कर रहे थे, तो कोड थ्री में आप कोड टू मतलब कोड फोर जो है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है। ठीक है, तो ड्रॉपर वाले होते हैं कि फर्स्ट ईयर हो सकता है से उनका फर्स्ट ड्रॉप हो सकता है, सेकेंड ड्रॉप हो सकता है, तो इस तरीके के लोग कोड फोर को फिल कर सकते हैं, या फिर नहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोड टू भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि आप 12th को पास कर चुके हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कोड सिक्स की, तो BSc जो कंप्लीट कर चुके हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, तो उन्हें कोड सिक्स को फिल करना है। ठीक है, ओके, वो आप कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो से आप अगर हैं तो फिर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कोड सेवन की, तो जो भी फॉरनर्स जो नीट का एग्जाम मतलब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो अगर फॉरनर्स अगर फिल करना चाहे फॉर्म को, तो उसमें वो कोड सेवन लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमने बात कर ली सारे कोड की, जिसमें आप जो आपको मतलब आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आप फिल करना है। ठीक है, ओके, और जो भी आपको फॉर्म फिल करने में डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। ओके, तो आपके डाउट को क्लियर कर सके, जिससे आपका फॉर्म जो है वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।